नमस्कार, मैं हूं परेश सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी। आज हम चर्चा करेंगे भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री सूर्यकांत केलकर जी उर्फ गुरुजी से। हम जानेंगे कि भारत रक्षा मंच क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ये संगठन कैसे काम करता है और इनका उद्देश्य क्या है। आपके मन में भी बहुत सारे विचार होंगे किसी भी संगठन के बारे में जानने के, तो भारत मैं गुरुजी से खुद ही पूछूंगा, गुरुजी खुद ही बताएंगे कि भारत रक्षा मंच नाम कहां से आया और भारत रक्षा मंच का नाम सुन के आपके दिमाग में भी एक विचार आएगा कि भारत की रक्षा तो सीमा पर सेनाएं करती हैं, तो फिर एक ऐसा संगठन बनाने की क्या जरूरत पड़ी। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक न्यूज़ टीवी में। आपसे हम जानना चाहेंगे गुरुजी कि भारत रक्षा मंच क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और यही नाम आपने क्यों रखा। आप सभी को नमस्कार, मैं सूर्यकांत केलकर भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री या संयोजक हूँ। 27 जून 2010 को बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट, इस विषय पर भोपाल में एक सेमिनार किया था। उस सेमिनार में भारत रक्षा मंच नाम से एक संगठन बनाने का विचार हुआ। भारत रक्षा मंच इसके द्वारा ही वो सेमिनार आयोजित हुआ था और इस नाम से एक संगठन बनाने की योजना वहाँ बनी। कारण ये ध्यान में आया कि संगठन की आवश्यकता एक तो इसलिए है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ चल रही है, चल रही थी कहना चाहिए अब, क्योंकि उस पर काफ़ी कुछ सरकार ने बाद में हमारे मांग के अनुसार काम किया है, तो उस घुसपैठ के कारण देश विभाजन का खतरा आसाम बंगाल की तरफ तैयार हो रहा था। तो भारत रक्षा मंच वहाँ बनाया गया। उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठ पर भारत रक्षा मंच मुख्यतः काम करता रहा, जनता में इसके बारे में जन जागरण करना और सरकार पर दबाव लाने का प्रयत्न करना। भारत रक्षा मंच का काम करने के तरीका क्या है और संगठन भारतवर्ष में पूरे में काम करता है या कुछ राज्यों में काम करता है, इस पर भी थोड़ा विस्तार से बताइए। वास्तव में ये जैसा मैंने बताया कि मुख्य कार्यक्रम में एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ पर कार्य ये शुरू हुआ, किंतु दिसंबर में विदिशा में भारत रक्षा मंच की एक बैठक हुई प्रमुख कार्यकर्ताओं की और उसमें भारत रक्षा मंच नाम का बराबर विचार हुआ, जो पहले से भी विचार हुआ था। और जैसा आपने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि सीमा पर रक्षा तो सेना कर रही है, किंतु भारत जो सीमा के अंदर है उसके रक्षा भी करने की आवश्यकता अनुभव हुई। अंदर भारत जो है वो है भारत का समाज और उनमें भी मुख्य समाज है हिंदू समाज, जो 85% था 1951 में, 2011 की जनगणना में दिखाई देता है कि वो घट करके 79.8% इतना कम हुआ है, लगभग 6% हिंदू समाज अपने ही देश में घट गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं, भगाए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं, समझ में आता है, और वहाँ लगातार हिंदू जनसंख्या समाप्त हो रही है। पाकिस्तान में कभी 15% हिंदू थे, पश्चिमी पाकिस्तान में, अब 1% भी नहीं बचा है। बांग्लादेश में 32% हिंदू था, आज 8% बचा है, वहाँ पे तो कम हुआ ही है। अफगानिस्तान में 10% हिंदू था 1951 में, अब कोई नहीं बचा है। अभी अभी आपने पढ़ा ही होगा कि अब तालिबानी आने के बाद तो अफगानिस्तान से बचे खुचे सिख हिंदू सब भगा दिए गए हैं। 1% है, उनकी भी स्थिति बहुत खराब है। हाँ, आधा एक भी नहीं है। हाँ, जो जो है जहाँ भी हिंदू उनकी स्थिति खराब है, और हिंदुस्तान में भी वही है। यानी हिंदुस्तान में हिंदुओं की स्थिति जब खराब है तो दुनिया में हिंदुओं की स्थिति को देखने वाला, उस पर विचार करने वाला, चिंता करने वाला कोई नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। इसलिए भी भारत रक्षा मंच की आवश्यकता हमें अनुभव हुई। एक तो मुख्य हिंदू समाज, उसी को कमज़ोर करने के प्रयत्न, जातियाँ उसके नाम पर
सब प्रकार की धांधली और हिंदू समाज को अधिकाधिक टुकड़े टुकड़े करने का प्रयत्न सब प्रकार से चालू है। तो एक बात तो ये दिखी कि अंदर हिंदुस्तान जो है सीमा के अंदर, उसमें मुख्य है ना हिंदू समाज, उसकी सामाजिकता पर, उसके संख्या पर एक तरह से हमला जारी है, उसकी संस्कृति पर हमला जारी है। वास्तव में भारत की संस्कृति कौन सी है? तो भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, यज्ञमय संस्कृति है। किंतु हमें सिखाया जा रहा है कि हमारा कंपोजिट कल्चर है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें अन्य देशों की संस्कृति का कुछ मिश्रण न हुआ हो। किंतु कोई देश ऐसा मूर्खतापूर्ण शब्द प्रयोग नहीं करता है जो हम करते हैं। गंगा जमनी संस्कृति, ये कंपोजिट कल्चर, हमारे कल्चर का यानी हिंदुस्तान में हमारी जो संस्कृति है उसका नाश करने के लिए, लोगों के दिमाग से उस संस्कृति का प्रभाव समाप्त करने के लिए ये ऐसे कुछ तो भी शब्द मिली जुली संस्कृति, गंगा जमनी संस्कृति, ये सब चालू है। वैसे ही यहाँ जो संस्कृति का विकास हुआ है मंदिरों से, मंदिर मुस्लिम काल में तो तोड़े फोड़े ध्वस्त किए गए, आज भी मंदिरों पर हमला सरकार का ही है। मंदिरों का धन, जितने प्रमुख मंदिर है उन सब पे आया हुआ चढ़ावा हिंदू अपने हिसाब से हिंदू उत्थान के लिए खर्चा नहीं कर सकते। जितने भी तिरुपति बालाजी हो, सिद्धि विनायक हो, कहीं के भी मंदिर जो है, उन सब पे चढ़ाया जाने वाला पैसा जो निश्चित रूप से हिंदू चढ़ाता है अपनी श्रद्धा से, वो पैसा सब सरकार ले लेती है और चाहे जहाँ खर्चा करती है, शराब के ठेके के लिए ऊपर कर देगी, कहीं भी वो राजस्व के अंतर्गत सरकार का धन कमाने का एक सोर्स ये है कि तिरुपति का ये संपत्ति ले लो, सिद्धि विनायक की ले लो, ये सब धंधे चालू है हमारे मंदिरों पे हमले। सरकार इमामों को वेतन देगी, मुअज्जिन को वेतन देगी, सरकार कभी ये चिंता नहीं करती है कि मंदिरों के पुजारियों को वेतन दे दें। तो हर जगह ये दिखाई देता है कि हमारे संस्कृति के केंद्र जो रहे वो मंदिर, उनकी हालत ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो रही है, उनको देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो भारत का, जिससे भारत बना है, ऐसा हिंदू समाज, यहाँ की भारतीय संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति जो वास्तव में मानव संस्कृति है, उसका भी एक तरह से लोगों के दिमाग से विस्मरण हो ये प्रयत्न चालू है, उसे मिटाने का प्रयत्न चालू है। यहाँ के मंदिर, यहाँ का अब तीज त्यौहार जो भी भारत का पुराना है सब पे ही हमला है। अब देख लो त्यौहार कर नहीं सकते, अब हर एक त्यौहार के समय कोई ना कोई सरकार आपत्ति उठा रही है, दुर्गा पूजा नहीं हो सकती, जन्माष्टमी पे आप वो ये नहीं कर सकते हो। भारत रक्षा मंच के माध्यम से आप हिंदू समाज और संस्कृति की रक्षा करने कार्य कर रहे हैं। अंदरनी जो भारत है उसकी रक्षा की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक है जितना भारत की सीमा की रक्षा करना। सेना पर सीमा है और अंदर भारत रक्षा मंच कार्य करता है। तो संगठन का कार्य शैली क्या है, संगठन किस तरह कार्य करता है, जरा उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। संगठन सामान्यतः सदस्यता भी होती है, कार्यकारिणियाँ बनती है, कार्यकारिणियों की बैठकें चलती है, कार्यकारिणियों की बैठकों में कार्यक्रमों का विचार होता है। सामान्यतः तीन कार्यक्रम हमने पूरे देश में हर एक शाखा को करने के लिए आवश्यक किए हैं। तीन आपसे बात हो रही थी गुरु जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि हिंदू समाज के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र की भी आप बात कर रहे थे। हमने तीन कार्यक्रम जो नियमित करने को दिए, उनमें लाठी अभियान एक कार्यक्रम का है, और लाठी अभियान के द्वारा हम ये चाहते हैं कि हिंदू समाज में हर एक के घर में कुछ न कुछ शस्त्र होना चाहिए, कम से कम लाठी अवश्य हो, क्योंकि हिंदू समाज का जो एक तरह से दिखाई देता है कि डरता है, झिझकता है, बोलने में घबराता है, तो उसका स्वाभिमान, उसका आत्मविश्वास बन जागृत हो, इसलिए लाठी हर घर में रहे, शस्त्र घर में रहे, शस्त्र का सम्मान रहे, ये सब करने के लिए भारत रक्षा मंच प्रतिमास ही है। हाँ, वो भी देते हैं, शस्त्र लोग घर में रखें तो शस्त्र का प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हम करते हैं। मेरा अगला सवाल ये है गुरु जी आपसे कि अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग घरों में लाठियाँ रखेंगे, तो इस तरह से
समाज में दंगे फैलेंगे फिर तो। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी तो हमारे देश में आर्म्स एक्ट कब बना, 1857 की क्रांति हुई उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ आर्म्स एक्ट लागू किया। न तो लोगों के घरों में लोग रखते ही थे। वैसे भी पुलिस का कहना है भाई कि हम हर जगह आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आप अपनी रक्षा स्वयं करो, अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने पड़ोसी की रक्षा करने के लिए घर में कुछ हथियार चाहिए। गुंडे, मवाली, बदमाश आपके घर में कभी भी घुस आए, आप क्या करने वाले हो भाई? सामान्य हिंदू का घर आज इस प्रकार का बना है कि उस पे कोई भी अगर गुंडा अंदर आता है तो वो कुछ भी करे उसको सब प्रकार से सुविधा मिलेगी। जैसा कि आप बता रहे थे कल जो मेरी वार्ता आपसे हो रही थी कि आप हिंदू समाज को आप कहेंगे कि वो घर में एयर गन भी रखें, हाँ तो इस तरह से और जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा है। कोई कारण नहीं है ऐसा बिगड़ने का, कोई कारण ही नहीं है। उल्टा जब एक जंगल में शेर अगर दो है तो उनमें झगड़ा नहीं होता है। अभी तो यहाँ ये है कि एक शेर है, एक बकरी है। एक अन्य समाज जो है, खास करके मुस्लिम समाज, ये आक्रामक है, मारपीट कर रहा है। आपने अभी कोरोना के समय देखा ही कि एक जगह का उदाहरण नहीं है, देश में कम से कम 7-8 राज्य ऐसे हैं जहाँ जो डॉक्टर गए उनके का इलाज करने, उसके ऊपर हमले किए मुसलमानों डॉक्टरों का ने, इलाज कर दिया। पत्थर फेंके, मारे, पुलिस जाती है, पुलिस को मारते हैं वो। तो ये जो चालू है मारपीट, दंगा, हंगामा, इसका एक कारण ये है कि हिंदू समाज बकरी जैसा बन करके ये सब चुपचाप सहन करता है। हिंदू समाज भी जब उठ करके इसका विरोध करेगा तो ये दंगे बंद होंगे। दंगे होने का एक कारण ही ये है, आप कमज़ोर हो तो दूसरे को आप उत्साहित करते हो कि वो आप पर हमला करे, आपको डराए, धमकाए, दबाए। ये सब आपकी कमजोरी उसे उत्साहित करती है ये सब करने के लिए। उसके लिए सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है। बराबर है, सुरक्षा एजेंसियां वगैरह एक सीमा में काम कानून करती व्यवस्था के हैं। लिए पुलिस है बराबर जो। बराबर है, जी किंतु ये सब एक सीमा में काम करते हैं। उसके बावजूद भी तो ये दिखाई देता है ना कि ये सब होने के बावजूद, पुलिस है, सेना है, BSF है, ये सब होने के बावजूद भी गुंडागिरी, मवाली, ये सब देश में बढ़ ही रहा है। अपराधों की संख्या बढ़ रही है। अपराध की संख्या बढ़ने का कारण एक यही है कि अपराधियों को पता है कि सामान्य व्यक्ति निशस्त्र है, उसे चाहे जब मैं मरोड़ सकता हूँ, मार सकता हूँ। उसे अगर थोड़ा भी भय हो कि ये भी व्यक्ति मेरे पे हमला कर सकता है, मुझे जवाब दे सकता है, तो हमलावर की प्रवृत्ति में बदल आएगा कि मैं हमला करूं या ना करूं, वो 4 बार सोचेगा। आपके कहने का आशय ये है कि शक्ति संतुलन बिगड़ गया है, शक्ति संतुलन बिल्कुल बनाने की बराबर है, आवश्यकता है। बिल्कुल तो बराबर इस है। तरह अगर समाज में लोग यानी आत्मसम्मान, पुलिस, जी सरकार, सेना, ये गुंडे, मवाली, बदमाश और ऐसे जो अतिरेकी आतंकी मुसलमान है, उनसे कहाँ शस्त्र छीन पा रही है। उन सब लोगों के हाथ में तो शस्त्र है और बाकी समाज अपना बैठा है कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी, जो वो नहीं कर पाती फिर उतना। इसलिए आवश्यक है कि हर एक घर में कुछ शस्त्र हो, वो दूसरे पे हमले के लिए नहीं किंतु आत्मरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने पड़ोसी की रक्षा के लिए, ये होना आवश्यक है, ऐसा हमारा मत है। समाज के लिए क्या संदेश देंगे आप? हम समाज के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि समाज ने, हिंदू समाज, यह यहाँ का मुख्य समाज है, यही यहाँ का राष्ट्रीय समाज है, इस समाज ने देश की चिंता करनी चाहिए। आज भी देश में 60-70% समाज ऐसा है कि जिसे देश के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। देश का कुछ भला किया, सरकार ने धारा 370 समाप्त की, सामान्य व्यक्ति इस मामले में न जानकारी रखता है, वो कहता है 370 समाप्त हुई तो उससे मुझे क्या लाभ हुआ। ये वो अपनी केवल चिंता में लगा है, क्योंकि उसे देशभक्ति का जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। करोड़ों विद्यार्थी कॉलेज से पास होकर निकल रहे हैं किंतु पूरे शिक्षा में
कहीं बच्चों को अनुशासन सिखाया जा रहा है, देशभक्ति सिखाई जा रही है, मिलकर काम करने की आदत लगाई जा रही है, ऐसा कहीं नहीं है। मैंने एक शिक्षा मंत्री को, वैसे मैं हर एक शिक्षा मंत्री को ही कहता हूँ कि कम से कम एनसीसी का 3 वर्ष का प्रशिक्षण ही अवश्य करो। लोगों की हिम्मत नहीं है कि उसे आवश्यक कंपलसरी करने की। कैसे करें जी, लोग विरोध करेंगे, सारा विपक्ष नाराज होकर खड़ा हो जाएगा कि आपने एनसीसी कैसे कंपलसरी की। यानी अन्य 10 बातें चल रही है, किंतु विद्यार्थी अनुशासित हो, विद्यार्थी में देशभक्ति का भाव जगे, विद्यार्थी मिलकर काम करना सीखे, इसके लिए कोई सरकार उतनी चिंता नहीं कर रही है। तुलना में कुछ बातें अभी नई सरकार आने के बाद शिक्षा में उन्होंने कुछ अच्छे बदल किए हैं, किंतु मैं यूँ सोचता हूँ कि समाज में अनुशासन लाने के लिए एनसीसी वगैरह की जाए। हम समाज से ये अपेक्षा करते हैं कि समाज संगठित हो, अपनी संस्कृति को पहचाने। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, ये मानव संस्कृति, मानव धर्म का ही पर्यायी नाम है। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म है, मानव धर्म है, उसे बाद में लोगों ने हिंदू कहना चालू किया है। तो इसकी रक्षा करना, इसकी उन्नति करना, देश के विकास के साथ साथ इसकी भी आवश्यकता है। तभी हमारा देश विकास के साथ साथ ही दुनिया में एक संदेश दे सकेगा, और जिसके कारण उसने पहले विश्वगुरु का दर्जा पाया था, वैसा दर्जा भारत फिर पाएगा। अगर भारत भारतीय संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के आधार को लेकर विकास करता हुआ दुनिया में आगे बढ़े। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, पब्लिक न्यूज़ टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक या राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सूर्यकांत केलकर जी, आपने सुना। और अगले कार्यक्रम में हम एक और हस्ती, एक और शख्सियत के साथ बात करेंगे। नमस्कार।